विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी में श्रवण अष्टमी नवरात्र मेले 1 अगस्त से 10 अगस्त 2019 तक आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त मंदिर एवं SDM ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताया कि मेले की तैयारियों को लेकर आज मंदिर न्यास की बैठक कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में मेलों के दौरान साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था व स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने तथा मेलों के दौरान सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्थायी शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पेयजल स्रोतों को साफ सफाई सुनिश्चित बनाने व सभी स्रोतों की क्लोरिनेशन के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में श्रद्धालुओं के वाहन एक विशेष पार्किंग स्थल पर पार्क होंगे। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर की व्यवस्था हेतु भी स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदिर रोड पर ढोर नगाड़ों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कि जो तैयारियों के बारे में आज मीटिंग हुई मंदिर न्यास में, उसके बारे में किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी? श्रावण मेले की तैयारियों के लिए आज सभी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के साथ मीटिंग हुई। इनफैक्ट इस मीटिंग में स्थानीय विधायक महोदय भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो सारी तैयारियों के बारे में डिटेल में चर्चा करी गई और सभी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उन सब का यही एक मत था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो इस मेले के इन मेलों के दौरान दी जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सारे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो एक टीम की तरह काम करेंगे और श्रावण मेलों के दौरान हम जो भी यात्री यहाँ पे आएंगे, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, हम उनको बहुत अच्छी एक बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे। सर, इस बार क्या सफाई व्यवस्था के लिए कोई विशेष अतिरिक्त कर्मचारी लगाएंगे? सफाई व्यवस्था बेसिकली जो कमेटी है, नगर परिषद है, उसको इसका दायित्व दिया गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है इसके ऊपर अपनी देख रेख रखेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ एक लोगों को जो है वो उन